हेलो और नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल क्रिटिकल एनालिटिकल शिव पर। यह एक हॉरर साइकोलॉजिकल थ्रिलर सस्पेंस फिल्म है। फिल्म आपको कुछ कुछ डराती है, भयभीत करती है, परंतु क्योंकि यह एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है तो उसमें दिखाई जाने वाली कहानी में दरअसल हॉरर वाला एलिमेंट कम है और कॉन्सेप्ट बेस्ड डराना और विचित्र घटनाओं को दिखाना प्रमुखता से है। यह कहानी साल 1996 के आसपास की है। कहानी का एक किरदार ओवन है जो अपने पिता के साथ रहता है। उसकी माँ कैंसर से पीड़ित है। उसके माता पिता और टीवी के समय को लेकर बहुत सख्त हैं। तब सबके लिए इंटरनेट उपलब्ध नहीं था। लोग जैसे आज के समय में सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, वैसे उस जमाने में लोग टीवी स्क्रॉल, टीवी सर्फिंग करते थे और रिमोट के जरिए टीवी के अलग अलग चैनल बदल कर देखते थे कि क्या दिलचस्प आ रहा है। तो एक दिन यह ओवन अपने टीवी को सर्व कर रहा है तो एक टीवी सीरियल द पिंक ओपेक का प्रोमो दिखता है। इस कार्यक्रम में सब कुछ पिंक है जो कि रियलिटी और हॉरर का मिक्सर है। परंतु यह टीवी शो रात में आता है। जिस समय ओवन के माता पिता उसे टीवी देखने नहीं देते तो इस कारण ओवन इस टीवी शो को नहीं देख पाता है। ओवन की एक दोस्त है मैडी, तो वह एक दिन अपने माता पिता से परमिशन लेकर दोस्त मैडी के घर पढ़ाई का बहाना बनाकर जाता है और यह दोनों दोस्त उस हफ्ते के एपिसोड को छुपकर देखते हैं। उस सीरियल में दिखाया गया है कि कुछ टीनेजर उम्र के बच्चे एक साथ घूमने निकले हैं और कुछ हॉरर वाली घटनाएं घटित होती हैं। इस प्रकार ओवन छुप छुप कर यह टीवी का शो देखता है। फिर उसके जीवन में विचित्र घटनाएं घटित होने लगती हैं। उसकी माँ की मौत अचानक से हो जाती है। एक दिन उसकी दोस्त मैडी कहीं गायब हो गई और फिर कभी दिखाई नहीं देती है। उसकी दोस्त मैडी का पिता बहुत सख्त है और उसे लगता है कि ओवन के कारण उसकी बेटी गायब हुई। अब इन सब के बीच कहानी फ्लैशबैक के जरिए आगे बढ़ती है और जो वॉइस ओवर चल रहा था वह दरअसल साल 2006 का है, जब ओवन बड़ा हो गया है और काफी कमजोर और दुबला पतला है। उसके जन्मदिन का समय है। वह दर्शकों की ओर सीधा देखकर कहता है कि अब कहानी में मैं कैसे बताऊं कि क्या क्या हुआ। उसके बाद उसकी दोस्त मैडी कैसे वापस आती है, साथ ही ओवन और उसके आसपास के लोगों के साथ पिछले सालों में इस टेलीविजन सीरियल के कारण क्या क्या घटित हुआ, यही इस फिल्म का मूल सारांश है। फिल्म का एंडिंग थोड़ा विचित्र है, सेटिस्फाइंग नहीं है और एक ऐसे बिंदु पर कहानी खत्म हुई है जिसे ना तो एक्सप्लेन किया गया है ना ही दर्शकों को समझाया गया कि जो घटनाएं टेलीविजन सीरियल द पिंक ओपेक के कारण होती है वे बार बार हकीकत की जिंदगी में कैसे घटित होने लगते हैं। बात करें हमारे एक्सपीरियंस की तो शुरू में फिल्म की कहानी थोड़ा दिलचस्प थी, परंतु बाद में कहानी अब्सर्ड होती चली गई क्योंकि जो साइकोलॉजिकल विचित्र घटनाएं घटित हो रही थी वो सबको कोई भी बैकग्राउंड या एक्सप्लेन के बिना बस दिखा दिया गया है। तो इस कारण कहानी देखने का एक्सपीरियंस साधारण रहता है और कभी कभी खराब भी लगता है कि यह क्या दिखाया जा रहा है। कहानी का फर्स्ट हाफ थोड़ा ठीक लगता है जब ओवन और उसके दोस्त मैडी इस टीवी सीरियल और उसकी घटनाओं को देखते हैं और वैसी कुछ घटनाएं उसके साथ घटित होती हैं। परंतु सेकेंड हाफ में कहानी विचित्र और बेकार लगती है जब कहानी फ्लैशबैक के जरिए आगे बढ़ती है। जो साइकोलॉजिकल घटनाएं हैं, जो हॉरर वाली घटनाएं हैं, वह ठीक है, परंतु उनका कोई एक्सप्लेन या बैकग्राउंड तक नहीं बताया गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। बस विचित्र घटनाएं, साइकोलॉजिकल घटनाएं घटित हो रही है जो आपको डराती है, भयभीत करती हैं, परंतु एक बिंदु के बाद यह सब अब्सर्ड बकवास लगता है, बेकार लगता है, क्योंकि कहानी एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है, बिखरी बिखरी सी नजर आती है। निर्देशक ने एक साइकोलॉजिकल कहानी दिखाने की कोशिश करी है जिसमें हम समझ सकते हैं कि कुछ विचित्र घटनाएं घटित तो होगी परंतु उनका कुछ रीजन, कुछ कारण, बैकग्राउंड तो निर्देशक को समझाना चाहिए था, जिसमें निर्देशक असफल रहा है। तो इस कारण से हम इसे देखने के लिए रिकमेंड नहीं कर सकते क्योंकि ओवरऑल एक्सपीरियंस साधारण रहा, बल्कि खराब ही रहा। फिल्म का ओवरऑल प्रोडक्शन डिजाइन ठीक है और सिनेमेटोग्राफी वर्क भी ठीक ठाक नजर आता है, परंतु कहानी क्योंकि कहीं कहीं बेकार हो जाती है तो फिर बाकी चीजों पर कमेंट करना हमें ठीक नहीं लगता, उचित नहीं लगता। हमारा यह रिव्यू कैसा लगा कमेंट करके बताएं। आपने यह फिल्म सीरीज को देखा हो तो आपको कैसे लगा, आपके ओपिनियन नीचे कमेंट में लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों अभी का हमारा टारगेट है 1,00,000 सब्सक्राइबर्स जोड़ने का और चैनल को वेरीफाई करने का, जिससे हम और अधिक मनोरंजक वीडियो आप तक पहुंचा सके। तो क्या आप इसमें हमारे साथ जुड़ेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे अन्य वीडियो भी देखें। चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद।